ये भैया बताइए वैक्सीन कब आएगी? पप्पू पूछ रहा है कि ये कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जेली और स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। और आज इस वीडियो के लिए हमारे साथ कॉलैब किया है। अरे नहीं, ये अली मौला नहीं, पर इनका अपना चैनल है अली फामा। वैक्सीन बनाना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और समय भी लगता है। आइए देखते हैं कि आखिर वैक्सीन बनाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। दोस्तों, कोरोना एक बिल्कुल नया वायरस है और इसकी वैक्सीन बनाने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वायरस के सतह पर पाए जाने वाली प्रोटीन की परत उसकी सुरक्षा करती है। अब मुश्किल यह है कि पूरी सतह को नष्ट करने वाली वैक्सीन बने या फिर केवल रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होने वाले प्रोटीन को नष्ट किया जाए। दूसरी चुनौती ये खड़ी हुई कि बनाई गई वैक्सीन लंग्स की बीमारियों को दावत दे सकती है, जो हेलपती सेल्स के साथ संबंधित होती है। फिर तीसरी चुनौती ये है कि इम्यूनिटी की अवधि हमको नहीं पता है कि कितने देर की होती है, और फिर अभी ये भी नहीं पता कि एक खुराक काफी होगा या ज्यादा खुराक की आवश्यकता होगी। इसके अलावा वैक्सीन बनाने में कुछ सहायक औषध भी मिलना होता है, जिसको एडजुवेंट्स भी कहते हैं। और वैक्सीन में डलने वाले एडजुवेंट्स कहीं कुछ और परेशानी न खड़ी कर दे मरीजों में। और इसके अलावा उन जानवरों का चयन भी नहीं हो पा रहा है जिन पर परीक्षण किया जा सके। फिर भी कुछ जानवर जैसे बंदर, हैमस्टर्स, फेरेट्स और चूहों पर यह परीक्षण किया जा रहा है। द कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन या सेपी डीएनए और आरएनए तकनीक का इस्तेमाल करके वैक्सीन बना रहा है। 11 जनवरी 2020 को कोरोना का पहला जेनेटिक सीक्वेंस जारी किया गया था। 8 अप्रैल 2020 तक 115 वैक्सीन निर्माता थे, जिनमें से 73 निर्माताओं की वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज में है। दोस्तों, डीएनए और आरएनए तकनीक के अलावा और भी तकनीक हैं, जैसे कि वायरस लाइक पार्टिकल पेप्टाइड वैक्सीन, वायरल वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, लाइव अटेन्यूएटेड वायरस और इनएक्टिवेटेड वायरस तकनीक। एमआरएनए के द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन काफी कम समय में बन जाती है, क्योंकि इसमें वायरस को कल्चर करने की जरूरत नहीं होती है। 16 मार्च को मोडर्ना नाम की कंपनी की वैक्सीन फेज एक क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेज दी गई थी। वैक्सीन बनाने की कड़ी में सबसे आगे मोडर्ना की एमआरएनए 1273, आईएनओवीआईओ की इनो 4800 और कैंसिनो की एड 5 एनकोव सबसे आगे हैं, और इन सभी को इंसानों पर परीक्षण के लिए स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा ली हुआ हो एवं झू फेंगकाई बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई वैक्सीन को इंसानों पर परीक्षण के फेज 2 की स्वीकृति मिल गई है। उपरोक्त तकनीकों में एमआरएनए वैक्सीन काफी कम समय में बन गई, परंतु वायरल वेक्टर के द्वारा बनाई गई वैक्सीन ज्यादा समय तक स्थिर रहती है तथा लंबे समय तक अपना असर दिखती है। दोस्तों, इन कारणों के अलावा क्लिनिकल ट्रायल भी एक वजह है जो वैक्सीन को बाजार में आने में देरी करती है। वैक्सीन बनाने में सबसे पहले लैबोरेटरी परीक्षण, फिर जानवरों पर परीक्षण किया जाता है एवं सबसे अंत में इंसानों पर परीक्षण किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल 4 फेज का होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। परंतु सबसे पहले फेज 0 से शुरुआत करते हैं। इसका मकसद जो बेकार की चीजें हैं और वैक्सीन में काम नहीं आएंगी, जिनकी पोटेंसी ट्रीटमेंट को अफेक्ट कर सकती है, उनका पता लगाना और बाहर निकालना। फेज 1 में 20 से 100 व्यक्तियों पर परीक्षण किया जाता है। इसको पूरा होने में काफी वक्त लगता है। इसमें देखते हैं कि बनाई जा रही वैक्सीन आखिर सुरक्षित है या नहीं। इस परीक्षण में फार्माकोकिनेटिक और फार्माकोडायनामिक्स का पता लगाया जा सकता है। फिर फेज 2 आता है, इसमें लगभग 200 लोगों को लिया जाता है और इस परीक्षण में साइड इफेक्ट जो वैक्सीन से हो सकता है उसका पता लगाया जाता है। इसको पूरा होने में 2 साल या अधिक का वक्त लगता है। अब फेज 3 शुरू होता है और इसमें 300 से 3000 स्वस्थ व्यक्तियों को एवं मरीजों को भी शामिल किया जाता है। इसको पूरा होने में 4 साल या उससे अधिक समय लगता है। इसमें सेफ्टी और एफिकेसी का पता लगाया जा सकता है, कोई रिस्क हो तो वो भी पता लगाया जाता है। अब फेज 3 के बाद अपनी रिपोर्ट अथॉरिटी को सौंपी जाती है और उनसे पूछा जाता है कि इस वैक्सीन को बाजार में लाया जाएगा या नहीं। उनके आदेशानुसार ही कंपनियां अपनी वैक्सीन बाजारों में उतारती हैं। फेज 4 का मतलब होता है कि वैक्सीन अब बाजार में उपलब्ध हो गई है, परंतु रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो होती हैं वो बराबर नजर रखती हैं।
जो वैक्सीन बाजार में है कि कहीं ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। दोस्तों, इन मुश्किलों को दूर करते हुए सबसे पहले एडजुवेंट्स की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि गैलेक्स स्मिथ क्लाइन की AS03 एवं डायनोवैक्स की CPG1018 नामक एडजुवेंट और सिक्वायर्स की AS03 तैयार की गई है। और अब देखते हैं कि आखिर वैक्सीन बनाने में सबसे पहले किसको सफलता मिलने का मौका है। वैक्सीन की कार्य पद्धति कैसी है? मोडर्ना की वैक्सीन फेज एक क्लिनिकल ट्रायल में है। यह लिपिड मोनो पार्टिकल एनकैप्सुलेटेड वैक्सीन एनकोडिंग एस प्रोटीन वैक्सीन है। इनोवियो की INO-4800 ये इलेक्ट्रोपोरेशन के द्वारा डिलीवर की जाती है वायरस के एस प्रोटीन में। ये वैक्सीन भी फेज एक ट्रायल में है। इसके अलावा शेंजन जीनो अम्यून मेडिकल इंस्टीट्यूट की LVSMANPDC वैक्सीन डेंड्राइट मोडिफाइड एक्सप्रेसिंग सिंथेटिक मिनी जीन और इसी कंपनी की दूसरी वैक्सीन AAPC3 वैक्सीन जो कि आर्टिफिशियल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, दोनों वैक्सीन फेज एक क्लिनिकल ट्रायल में है। इसके अलावा कैंसिनो की AD5nCoV जो एडेनोवायरस टाइप 5 वेक्टर एक्सप्रेसिंग एस प्रोटीन और ये वैक्सीन अभी तक रेस में सबसे आगे है। ये फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच चुकी है। उम्मीद लगा सकते हैं कि वैक्सीन अब जल्दी ही लोगों को उपलब्ध करवा दी जाएगी और हम सबको कोरोना जैसे वायरस से मुक्ति मिलेगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोग सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और अली फार्मा चैनल को विजिट कीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू, बाय बाय। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ। कोरोना भाई क्यों नहीं कर रहे तो करना।